बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बोर्ड, जिसके आगे पीछे लोगों की भीड़ जमा है। ये वो बोर्ड है जिसने मंगलवार शाम को रामपुर में बवाल मचा दिया। पहले पुलिस से लोगों की थोड़ी नोकझोंक हुई, फिर पथराव हुआ। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने लठ बजाने शुरू किए, भगदड़ मच गई। देखते ही देखते फायरिंग भी होने लगी, जिसमें एक दलित युवक की जान चली गई। चलिए अब आपको बताते हैं ये मामला है क्या। दरअसल रामपुर के सिलई बड़ा गांव में ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन पर एक पक्ष ने बाबा साहब का बोर्ड लगा दिया था। यहां वो पार्क बनाकर अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, जबकि दूसरे पक्ष ने बोर्ड लगाने की शिकायत डीएम से कर दी, जिसके बाद मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे SDM मिलक पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बोर्ड हटाने की कार्रवाई शुरू की, तो एक पक्ष ने बवाल कर दिया। ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को लाठियों से खदेड़ दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने फायरिंग भी की, जिसमें एक दलित युवक की गोली लगने से मौत हो गई। अब परिजन इंसाफ की मांग को लेकर शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे दो लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषि पाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है उन्होंने, जिसमें मेरे एक भैया घायल खत्म हो गया। यहाँ पर सुमेश कुमार इसका नाम है, इसके पापा का नाम त्रिकेंद्र लाल, एक मेरा पड़ोसी अमित, एक मेरा भैया अमित है और एक मेरा पड़ोसी गांव का, मेरे ही कास्ट का है, उसके भी गोली लगी है। तीन लोग इसमें, दो घायल हुए, एक मेरा भैया एक्सपायर हो जाएंगे। हंगामे और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह और DIG रेंज मुनिराज जी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। दरअसल यहाँ पे खाद के गड्ढे की जमीन थी जिसको बीच में पार्ट कर ऊपर किया गया, और उसके बाद वहाँ पर यहाँ पे लोगों की मांग थी कि यहाँ अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए या पार्क बनाया जाए, उसको लेकर शिकायत हुई थी, जिसपे प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई के लिए भेजा। और वहाँ पर क्या घटना हुई इन सब की जांच होगी, लेकिन इस बीच में जैसा कि तहरीर भी दिया है परिवार ने कि गोली चली और उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें इस पूरे घटनाक्रम पे इसीलिए मैं स्वयं आया, इस पर जांच भी की जाएगी। अधिकारियों ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया है। हालात नियंत्रण में है, गाँव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल ये है कि जब पुलिस को पता था ये इतना संवेदनशील मामला है तो क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरती, ऐसी नौबत ही क्यों आने दी कि मामला लाठीचार्ज और फायरिंग तक पहुंच गया। और अगर पुलिस की फायरिंग से युवक की मौत हुई है तो आरोपियों पर एक्शन कब लिया जाएगा।